दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो चुकी है और भारत ने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को रगड़ के रख दिया। पहले मैच में भारत ने एक पारी और 132 रन की बड़ी जीत दर्ज की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 साल पहले खेले गए एक ऐसे रोमांचक मुकाबले की जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को हमेशा के लिए सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक बना दिया। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, बात करेंगे 14 मार्च सन 2001 का वो ऐतिहासिक दिन जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट इतिहास में सबसे चमत्कारी पारी साझेदारी और टेस्ट जीत की नींव रखी। लक्ष्मण की दी गई उड़ान को द्रविड़ का साथ मिला, दो खिलाड़ी जिन्हें इस पारी में एक दूसरे की पोजीशन में उतारा गया। दोस्तों, इन दोनों ने वो किया जिसकी कल्पना क्रिकेट की समझ रखने वाले किसी भी शख्स ने नहीं की होगी, जिसकी उम्मीद खुद भारतीय टीम को भी नहीं होगी, जिसका यकीन खुद द्रविड़ और लक्ष्मण को भी नहीं हुआ होगा। जिस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण ने सिर्फ डेढ़ दिन के अंदर भारत के 14 विकेट गिरा दिए थे, वो पूरी तरह से पटरी से उतर गई थी। बिल्कुल बेदम, पूरी तरह से पस्त और ढेर, लक्ष्मण और द्रविड़ ने हर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को सिर्फ बाउंड्री का ही रास्ता दिखाया, टेस्ट क्रिकेट का असली मजा चखाया और दुनिया को एक नया जादू दिखाया। लक्ष्मण ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा तो द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हिम्मत। दोनों ने पूरे दिन बल्लेबाजी की, पूरे दिन एक भी बार ऑस्ट्रेलियाई टीम विकेट हासिल करने के करीब भी नहीं आ पाई। लंच ब्रेक तक भारत के 450 रन बन गए, लक्ष्मण 171 रन बना चुके थे और द्रविड़ भी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। दूसरे सेशन में भी इन दोनों ने अंगद की तरह अपने पैर जमाए रखे और इसी सेशन में लक्ष्मण ने एक यादगार पारी खेलते हुए दोहरा शतक जमा दिया। ये लक्ष्मण का पहला दोहरा शतक था। वहीं द्रविड़ ने भी शतक जड़कर पूरा साथ दिया और भारत 500 रन के करीब पहुंच गया। आखिरी सेशन में लक्ष्मण ने इतिहास रच दिया। लक्ष्मण ने गावस्कर के 236 रनों के भारतीय रिकॉर्ड को पार किया और टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। द्रविड़ ने भी वहीं 150 रन पूरे किए और दोनों के बीच 350 से ज़्यादा रनों की साझेदारी हुई। 14 मार्च को इस दिन द्रविड़ और लक्ष्मण ने लगभग 7 घंटे बल्लेबाजी की और 335 रन जोड़े और दोनों ही नाबाद लौटे। भारत की बढ़त 315 रन की हो गई थी जो भारत को हार से बचाने के लिए उस दिन काफ़ी थी। लक्ष्मण 275 रन बनाकर खेल रहे थे और वहीं द्रविड़ भी 155 रन पर नाबाद थे। दोस्तों, इस एक दिन और साझेदारी ने आने वाले सालों के लिए भारतीय क्रिकेट में आए बड़े बदलाव की नींव रखी। आखिरी दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 212 रनों पर समेटा और 171 रनों की बड़ी जीत दर्ज की, जो क्रिकेट इतिहास में सिर्फ तीसरा ऐसा मौका था जहां किसी क्रिकेट टीम ने फॉलो ऑन के बाद जीत दर्ज की थी।